शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसे गुनाहगार ठहराने वाला सबसे पहले मैं था ना, तो मैं ही आज कह रहा हूं इस वांग में जो प्राश्चित कर रहा है उसमें रत्ती भर भी फरेब नहीं है। मैं नहीं जानता मेरा बेटा और बहू पुतले हैं नहीं, लेकिन लेकिन मेरा स्वामी परी को बहुत चाहता है, बहुत सच्चा प्यार करता है। मेरा विश्वास करो, मेरे विश्वास पे विश्वास करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सामने को मौका दे दो, एक बार उसे माफ कर दो। दादाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपकी हर बात मेरी सिर आंखों पर, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके विश्वास पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं दुनिया की किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन सौम्य पर नहीं। आप शायद अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता। शायद आप मजबूर हैं। आई एम रियली सॉरी। बेटा, दादाजी, मेरी राय मेरे पति की राय से अलग नहीं हो सकती। तुझे मुस्कुराते हुए देखा, दिल में ठंडक पड़ गई। तूने तो अपने प्यार की ताकत से मेरे सामने का दिल बदल दिया, पर बेटा मैं ऐसा क्या करूं कि सबका दिल मेरे सामने के लिए भी बदल जाए। आ
से चलते। कहिए। कोर्ट से सम्मन है। हाँ? क्या? कोर्ट से आया हूँ, अदालत से। अच्छा। सेठानी जी, कोई कोर्ट से सामान लेकर आया है। आइए। ये। जी कहिए। जी, मिस्टर सौम्य पराशर के नाम कोर्ट से सम्मन है। वो घर पर नहीं है। वो किस वक्त घर पर मिलेंगे आप बता दीजिए, मैं फिर से आ जाऊंगा। आप दोबारा तकलीफ मत कीजिए, मैं सौम्य की माँ हूँ, मुझे दे दीजिए, मैं उसे दे दूँ। ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। नोटिस है। नोटिस? काहे का नोटिस? सौम्य के लिए कुछ करना होगा, क्या करूं मैं? मानव से गलती हुई है, माना उसने पाप किया है, लेकिन अब तो उसे एहसास हो गया है और वो सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। सच्चे मन से प्रायश्चित करने के बाद डाकू वाल्मीकि संत वाल्मीकि बन गए थे और रामायण की रचना की थी उन्होंने, मेरे स्वामी को एक मौका क्यों नहीं मिल सकता? एक मौका तो उसे मिलना चाहिए। स्वामी बेटा, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे सच्चे प्रायश्चित और सच्चे प्यार का किसी को यकीन दिला पाऊं या नहीं, पर इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यह है बेटे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। ये तेरे दादा का वादा है तुझसे कि परी का प्यार जीतने में मैं तेरा पूरा पूरा साथ दूंगा, तेरे प्रायश्चित में तेरी हिम्मत बनूंगा। ये देखो, डिवोर्स का नोटिस। सौम्य को कोर्ट से समन भी आ गया है और जल्द से जल्द केस की हियरिंग भी शुरू हो जाएगी। क्या वसंत जी, तुम्हें खुशी नहीं है? अरे तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, थापर परिवार ने सौम्य को ना माफ करने का फैसला कर लिया है। जल्दी डिवोर्स भी हो जाएगा तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे और सौम्य के बीच में जो परी नाम का कांटा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। नहीं मामा, इस डिवोर्स से कुछ नहीं बदलेगा। परी सौम्य की जिंदगी से तो चली जाएगी, लेकिन उसके दिल से तो नहीं जाएगी ना। और वैसे भी सौम्य ये डिवोर्स होने ही नहीं देगा, और अगर डिवोर्स हो भी गया तो वो अब मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनने देगा। सौम्य सच ही कहता है,
तुम में और परी में बहुत फर्क है। एक वो परी है जो हारना नहीं जानती और एक तुम हो जो जीतना नहीं जानती। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सौम्य के दिल में परी के लिए कितनी नफरत थी, लेकिन वो परी कोशिश कर करके कर करके कर करके उस नफरत को प्यार में बदल दिया। अब ये तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान है संजना। तुम्हें भी कोशिश करके तुम्हारे और सौम्य के बीच में जो भी दूरी आई है उसे नजदीकियों में बदलना है। और फिर हम सब तो है ही ना तुम्हारे साथ। नहीं मामा, ये सब अब इतना आसान नहीं है। और अगर आसान हो भी तो मैं अब सौम्य और परी के बीच में नहीं आना चाहती। मैंने सौम्य की आंखों में जो परी के लिए सच्चा प्यार देखा है उसके बाद तो हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। उस रात मुझे तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। दादाजी की बातों का मान रखना चाहिए था, लेकिन क्या तुम मेरी उस गलती को माफ नहीं कर सकते? सौम्य हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते। मुझे एहसास हो गया है कि मैं वो नहीं जिसे तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी तो सिर्फ परी है। भगवान ने तो तुम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। मेरी बातों से बहुत हैरान हो रहे होंगे ना, लेकिन सच मानो सौम्य, जब मैंने तुम्हारी आंखों में परी के लिए प्यार देखा, उसके प्यार के लिए तुम्हारी तड़प देखी, तब मुझे समझ में आया कि प्यार क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि अगर मेरा प्यार स्वार्थी ना होता, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती तो मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होता, गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र होता। और कितनी सच थी तुम्हारी बात, देर से ही सही, मगर मुझे ये एहसास हो गया है। और जानते हो ये एहसास मुझे किसने करवाया? परी। परी ने सिर्फ तुम्हें नहीं बदला सोना, मेरी सोच को भी बदल दी। सिर्फ तुम ही नहीं बदले, मैं भी बदल गई।
बस यही कसर बाकी रह गई थी। तो आज ये सच सरेआम सामने आ ही गया। क्यों? अरे अब तक तो वो तुम्हारे घर पे रहती थी, लेकिन आज उसे यहां बुला लिया। अरे इससे तुम्हारी हिम्मत कहूं या बेशर्मी, जो मेरे घर के सामने संजना को बुला लिया। देखिए आदित्य भैया, मेरे यहां आने का दोष आप सौम्य को मत दीजिए। मैं यहां खुद आई थी उसे माफी मांगने, और अगर दोष देना ही है तो मुझे दीजिए। वो 40 दिनों वाली बात। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। ये जो माफी का नाटक है ना, ये कहीं और जाके कर। चलो निकलो यहां से। निकलो। मुसीबत में पड़ जाते हो। आज तो मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगने आई थी, और एक और तकलीफ पैदा हो गई। I'm sorry. कल हम लोगों को मैरिज काउंसलर के पास जाना है बेटा। वकील साहब ने और आर्यन ने जो कुछ भी तुझसे कहा, जो कुछ तुझे समझाया, वो सब तुझे याद है ना? यही कि ना किसी के सामने कुछ बोलना है और ना ही उनकी तरफ देखना है। देर हो गई बेटा, जल्दी से दूध पी ले और सो जाओ। पता ही